हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई सीरीज गिवन है तो हम कैसे उसका सम फाइंड करेंगे। तो सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस यूज करेंगे। और मान लीजिए कि आपको एक सीरीज ऐसी गिवन है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू एन टाइम्स। इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल सा एक लूप लगाते हैं और उस लूप को 1 से n तक वैरी कराते हैं और एक सम लेके उसमें i को ऐड कर देते हैं। इस केस में मुझे सम को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फाइनली हम क्या करेंगे, इस ये जो सम हमारा है इसको प्रिंट करा देंगे। इस तरह से हमारी इस सीरीज का सम हो जाएगा। क्योंकि हमने ये जो सीरीज है फाइंड की, बहुत ही सिंपल सीरीज, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम नाम है। अगर इसमें हम थोड़ा सा वेरी करें और इस तरह से कर दें, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू एन टर्म्स, तो आपको सिंपली ये करना है कि फार्मूला चेंज करना है। s = s + i की जगह आपको करना है s = s + i × i। तो i की वैल्यू पहले 1 होगी जो 1 स्क्वायर हो जाएगी, फिर 2 होगी तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रीवियस सम में हम इन वैल्यूज को ऐड करते रहेंगे। इसी तरह से अगर हमें सम फाइंड करना है इस सीरीज का, जिसमें हमें दिख रहा है कि हम ऑड नंबर के टर्म्स को ऐड करना है, ऑड नंबर के टर्म्स को अगर हमें ऐड करना है तो सिंपली ये लूप हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सम भी वैसा ही रहेगा, बस हमें ये फार्मूला चेंज करना है। तो सीरीज में मोस्टली यही होगा कि हमें इस फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को हम इस केस में क्या करते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि हर एक टर्म ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को हम कैसे फाइंड करें। अगर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये और ये चौथा टर्म है, तो आप कह सकते हैं कि 7 = 2 × 4 − 1। सिमिलरली ये जो 5 है आप इसको कह सकते हैं 2 × 3 − 1। ये जो 2 है आप इस जो 3 है इसको कह सकते हैं आप 2 × 2 − 1। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास किसी भी टर्म को अगर हम फाइंड करना हो तो 2 × i − 1 करेंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, sum = sum + 2 × i − 1। तो आइए सबसे पहले इन तीनों सीरीज का हम सम करते हैं, मतलब कि 1 + 2 + 3 up to n एंड देन इसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड देन ये ऑड नंबर वाले टर्म्स का सम करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं कि उसको कितने टर्म्स तक प्रिंटिंग करनी है। उसके बाद एक आई ले लेते हैं जो कि लूप का वेरिएबल होगा, लूप का काउंटर होगा। एक सम ले लेते हैं जिसमें हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। आई को हमने इनिशियलाइज किया है 1 से और इसको हम रन कराते हैं एन टर्म्स तक। सिंपल सा फार्मूला है s = s + i, ये नेचुरल नंबर वाला हम सम कर रहे हैं और लास्ट में हम इसको प्रिंट कर देंगे। इसके लिए हमें यूजर से इनपुट कराना होगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम cin n कर लेते हैं और इसके बाद प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा सही प्रोसेस हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का सम, इसका आंसर 10 आना चाहिए। देखिए 10 आ रहा है आंसर। इसके बाद फिर से रन करके देखते हैं और 6 टर्म्स का सम करके देखते हैं। 6 टर्म का सम 21 आना चाहिए। यस, 21 ही सम है। इसके बाद इस सीरीज को हम चेंज करते हैं और 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर इस तरह से फाइंड करते हैं सम। तो इसमें सिंपली हमें फार्मूला में चेंज इस तरह से करना है कि sum = sum + i² कर देना है, मतलब कि i × i। रन करके देखते हैं इसको। लेट्स से फर्स्ट फोर नंबर का हम सम फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज 30। कैसे 30 हुआ ये, 1 स्क्वायर 1 हुआ, 2 स्क्वायर 5 हुआ, 2 स्क्वायर 4 हुआ, 3 स्क्वायर 9 हुआ और 4 स्क्वायर हो गया 16। तो 16 + 9 + 4 + 1 दैट मेक्स इट 30। तो ये सही आ रहा है। इसके बाद ऑड वाली सीरीज का सम करते हैं। आई होप यू रिमेंबर कि 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ।
इसका सम हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें फॉर्मूला मैंने चेंज करना है, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस क्यू मल्टीप्लाइड विद आई माइनस वन। रन करके देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि मुझे फर्स्ट फोर टर्म्स का सम चाहिए, तो दिस इज 16। वेरीफाई करते हैं इसको, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 5 12, +3 15 और +1 16, तो ये सही आ रहा है। बड़े टर्म्स भी आप लेके चेक कर सकते हैं इसको। मान लेते हैं कि मुझे फर्स्ट 20 टर्म्स का सम चाहिए, सो दिस कम्स आउट टू 400। आप वेरीफाई कर सकते हैं लेटर आपके किसी पेन और पेपर का यूज करके। सो आई होप आपको सीरीज का स्टार्ट समझ आया है। इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे सीरीज को फिट करेंगे और उसके बाद एक ही साथ कई सारे सीरीज को सम करके फाइंड करेंगे।